जादू नहीं है, वो माइंड रीडिंग है, और ये ऐसा होता है, ये कोई कल्पना की बात नहीं है। अब इसके बाद आप ये नहीं कहना कि उस पर भरोसा हो गया है, ये व्यक्ति की शक्तियां हैं। एक टीवी शो है जिसमें एक एंकर है महिला, एक पुरुष और आया हुआ है, और एक 25-30 साल का लड़का है जो जादूगर जिसको कहते हैं लोग, वो आया हुआ है। तो उससे पूछ रही है वो महिला कि आप कैसे इतना सब जान लेते हैं सबके बारे में। उसने कहा कि ये सब स्किल्स होती है, कोई खास बात नहीं है, कोई भी अभ्यास करेगा तो जान सकता है। तो उस महिला ने कहा कि आप हमारे दर्शकों को, 250 दर्शक है करीब, कैसे इनको ये साबित करेंगे कि आप सच में जान लेते हैं। तो उसने कहा चलिए प्रयोग करके देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं मैडम, आपसे ये बात शुरू करते हैं, आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसमें बहुत सारे पैसे होंगे आपके पास, या डेबिट कार्ड में पैसे होंगे बहुत सारे। बोले हाँ है। तो उसका पासवर्ड कितने लोगों को पता है? उसने कहा मेरे सिवा किसी को भी नहीं पता, कहीं लिख के भूल गई हूं, नहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको पासवर्ड पता करने की, आपसे देखते हैं कि पता लगता है नहीं लगता है। उसने कहा ठीक है पता करके दिखाओ। उसने कहा मैं कुछ नहीं, बस मैं आपका चेहरा देखूंगा थोड़ी देर तक, आप तनाव मत लीजिएगा, मैं अनुमान करना चाह रहा हूं। तो देखा और उसके 3-4 सेकंड में बोला कि क्या आपके पासवर्ड का पहली संख्या 0? उसकी तो नानी मर गई। बोले कि हाँ पहली संख्या 0 है। अच्छा और दूसरी संख्या भी 0 है? बोली हाँ। और तीसरी भी 0 है? और चौथी भी 0 है? बोली हाँ। अब वो कार्ड देख रही है, अपना कार्ड है कहाँ पे, लेके कोई पैसे निकाल ले मेरे कार्ड से। तो दूसरा आदमी बोला ये असल में आपका इतना आसान पासवर्ड है ना, इसलिए इसने अंदाजा लगा लिया होगा। उसने कोई बात नहीं सर, आप आइए ना। उस शक मिजाज इंसान को सामने बिठाया, केवल उसकी आई रीडिंग करके 10-20 सेकंड के बाद उसका पासवर्ड बता दिया। अब वो आदमी उछल कूद मचा रहे कि मैं भाग रहा हूँ एटीएम में चेंज करने के लिए पासवर्ड, क्या करें। तो फिर उससे कि मैं आपको एक बात और बताता हूं, आप चाह रहे थे कि मैं आपका असली पासवर्ड ना बता सकूं, इसलिए आपने जानबूझ के मन में एक नकली पासवर्ड सोच लिया था, वो ये था। अब तो इस आदमी को लगा कहां डूब के मर जाऊं मैं, कहां सुसाइड पॉइंट कहां मेरे आसपास हो सकता है, कहां आत्महत्या करूं। वो भी सही निकली। फिर उस महिला ने कहा एंकर ने कि हमारे दर्शकों को भी कुछ थोड़ा सा समझाइए। उसने ठीक है समझा देते हैं। तो उसने दर्शकों से कहा कि हमें खेल खेलते हैं, ठीक है मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मैं ये काम कैसे करता हूं, आप भी कर सकते हैं, इसमें क्या है। सबके हाथ में एक कागज दे दिया, एक पेन दे दिया। उसने कहा होता क्या है कि कभी कभी जैसे मान लीजिए मुझे लगता है कोई धार्मिक आदमी है, तो मैं मान के चलता हूं कि धार्मिक आदमी जो होगा ना वो क्रूज जैसा कुछ दिमाग में सोच रहा होगा, क्योंकि ईसाई लोगों का प्रोग्राम चल रहा था। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर जिसको बहुत पैसा कमाना होता है वो पैसे के बारे में सोच रहा होता है, सीधी सी बात है। और ऐसे करके उसने एक दो कहा कि जो घुमक्कड़ किस्म का आदमी होता है, मैंने देखा कि उसको एफिल टावर बहुत अच्छा लगता है, तो आमतौर पर एफिल टावर या इस तरह के संकेत हम उसकी आंखों से पकड़ लेते हैं कैसे वो करता है। और ऐसे ही कोई कुछ और है ऐसा है वैसा करके, तो हम ऐसे करके दिखाया कि मैं ऐसा करके अंदाजा लगाते हैं, चित्र बना के नहीं केवल ऐसे ही दिखाया कि ऐसे करते हैं। तो मैं ऐसे ही जानने की कोशिश करूंगा कि आपकी प्रकृति क्या है, मैं जानने का प्रयास करता हूं। कागज आपके पास है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड मिलेंगे या 4 सेकंड मिलेंगे, और जैसी मैं कहूंगा आपके मन में जो सबसे पहला शब्द आए या सबसे पहली छवि आए, तुरंत अपने कागज पर उसको बना लीजिए, कोई ड्राइंग बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। और बोला आपका समय शुरू होता है अब, 1, 2, 3, 4 हो गया, बंद कर लीजिए। सबने बंद कर लिया। करीब 250 लोग हैं, एक नहीं है, 250 में तुक्के से कह रहा हूं, 150, 250, 300 कुछ भी हो सकते हैं, लगभग इतनी भीड़ है। मतलब सबने बना लिया, सब छिपा लीजिए, कोई देखे नहीं आसपास, सबने ऐसे छिपा लिया एकदम कि कोई देख ना ले, राज की बात है। फिर उसने एंकर से कहा कि देखिए क्या होता है कि चलिए बात बात में करेंगे, पहले काम करते वो जो दूर वाले भैया बैठे जरा उठे, आपने क्या बनाया जरा बताइए। उसने यूं दिखाया कि उसने 4 बनाया हुआ था ऐसे,
उसने कहा, अरे वाह बड़ी अच्छी ड्राइंग करते हैं, बस चार बनाया आपने तो। उसने अच्छा बैठिए बैठिए। फिर बोला कि इधर जो दीदी बैठी है, दीदी कहाँ नहीं बैठी, वैसे ही बोल रहा हूँ, उसने ऐसा कहा है ना। उसने कहा कि एक बार आप उठिए, आपने क्या बनाया आप दिखाइए। उसने दिखाया, उसने भी चार बनाए हुए। लोग कह रहे अजीब बात है, ये क्या हो रहा है, एंकर भी कह रही बड़ा अजीब संयोग है। उसने कहा चलिए कोई बात नहीं, कोई तो मिलेगा। तीसरे उठा, आप उठिए आप बताइए, उसने भी चार बनाया हुआ है। फिर उसने कहा एक काम करते हैं, ज्यादा छुपन छुपाई क्यों करिए, आप सब एक साथ दिखा दीजिए, सब ने स्टार बनाया हुआ था। फिर उसने कहा दरअसल आपने बनाया नहीं, मैंने बनवाया है आपसे, वो पता नहीं चला, मैंने स्टार बनवाया है आपसे। मैंने जैसे डॉलर कहा, डॉलर का संकेत एस जैसा है, जैसे मैंने क्रूज कहा टी जैसा संकेत है, एफिल टावर ए जैसा है, और फिर चौथा संकेत आर जैसा कुछ था। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैंने केवल वो संकेत बताए, आपके दिमाग में वो संकेत जाते गए। मैंने 3 सेकंड का समय दिया, 3 सेकंड में बहुत कॉन्शियस आप हो नहीं सकते हैं, और उस सब कॉन्शियस माइंड में जो संकेत आपने तुरंत देखे हैं, उनसे मिलके जो छवि बनेगी, जो नियरेस्ट छवि थी, वो आप सबके दिमाग में आ गई। इसके बाद अगर कोई ये कहे कि मैं स्वतंत्र चिंतन करता हूं, इस बात की पूरी संभावना है कि कोई आपसे चिंतन करवा रहा हो, वो तो करवाता ही है और क्या पता यहां भी कोई करवा रहा हो। तो ऐसा वीडियो देखा हुआ आपने, आप जिन्हें कान में बता रही थी वो कौन सा दूसरा वीडियो था कोई? अच्छा, तुक्का बता रही थी कि क्या होगा। इसको बोलते हैं माइंड रीडिंग, और साइकोलॉजी में ऐसे कई लोग हैं जो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, आंखों को देखकर पूरा टटोल लेना कि एग्जैक्टली इसके मन में क्या चल रहा है। आप में से कुछ लोग भी होंगे लेकिन वो इस तरह से नहीं पढ़ते होंगे, कुछ और पढ़ लेते होंगे, लेकिन वो उस तरह वाला जो है ना, उसकी बात चल रही है।